अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस है क्या? आज हम आपको कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे और इससे एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बताएंगे और इसकी अलामत के बारे में भी बताएंगे। दरअसल चाइना में कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल गया है, अभी तक पाकिस्तान में ये नहीं आया। 1960 से कोरोना वायरस सिर्फ 4 इकसाम का था और अब उसकी 5वीं किस्म दरियाफ्त हुई है। ये जो 5वीं किस्म है ये नई दरियाफ्त हुई है, जिसको दिसंबर 2019 में चाइना में डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया। फूड मार्केट है जहाँ पे जानवर फरोख्त किए जाते हैं और ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है। अभी तक पाकिस्तान में कोई केस नहीं आया अल्लाह के फजल व करम से, लेकिन ख़तरा है क्योंकि ये 18 मुल्कों में फैल चुका है और माजी में ये देखने में आया है कि उन ममालिक के कुछ लोगों ने चाइना सफ़र किया है। इसका मतलब कि चाइना इसका सेंटर है जहां से ये फैल रहा है। ये फैलता बहुत तेज़ी से है। जिस शहर से ये शुरू हुआ है वहां 60 मिलियन लोगों को अंदर बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं है, मतलब कि ना वो शहर में से आ सकते हैं और ना ही उसमें जा सकते हैं। पाकिस्तान में इसका ख़तरा इस हवाले से भी है कि इस वक्त पाकिस्तान में 50,000 चाइनी वर्कर काम कर रहे हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में। बाहर के ममालिक से जो लोग आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे चेक किया जा रहा है, बट इस वक्त चाइना में 500 पाकिस्तानी स्टूडेंट उसी शहर में मौजूद हैं जहाँ पे कोरोना वायरस फैला हुआ है। अगर 100 लोगों को इसकी डिसीज़ हुई है तो उसमें से 4 की मौत होती है। नाज़रीन, हम इसकी अलामत और एहतियाती तदबीर भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अबाउट एवरीथिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अबाउट एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहे। कोरोना वायरस की अलामत सांस के मसाइल शदीद हों, नंबर 2 बुखार खांसी, नंबर 3 पे नमोनिया वायरल और नंबर 4 पे फ्लो ज़ुकाम नज़ला और नंबर 5 पे सर दर्द और नंबर 6 पे गले का ख़राब होना। इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मदरजा ज़ैल हैं। गले को खुश्क ना रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, बड़े 50 सेंटीग्रेड ग्रेड तक पानी पिएं, छोटे 30 सेंटीग्रेड ग्रेड तक पानी पिएं, मार्च तक ऐसे ही गर्म पानी पीते रहें। पुरहजूम जगहों पर ना जाएँ। सफ़र करते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त और मार्केट वगैरह जाते वक्त मास्क ज़रूर पहनें। मसालादार और फ्राई फूड से गुरेज़ करें। बाहर से आते वक्त फौरन हाथ धोएं। हाथों को आते जाते वक्त बार बार धोएं। सब्ज़ियाँ और फल इस्तेमाल करें और गोश्त का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जितने दिन ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है या आप न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे हैं, तो इसकी जो है आप गोश्त बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें किसी किस्म का भी। इस बीमारी का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ।